हाय फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा जो है कंप्लीट बोर्ड है जिसमें हमारा किटकैट फ्यूज, इंडिकेटर बल्ब और स्विच एंड सॉकेट, ये सभी चीज़ें। आज हम इसी के बारे में कंप्लीट वायरिंग कैसे होती है उसके बारे में दिखाएंगे। आइए आगे बताते हैं फ्रेंड। आज मैं आपको एक कंप्लीट बोर्ड बनाना सिखाऊंगा कि बोर्ड कैसे कैसे बनता है और उसमें क्या कैसे वायरिंग होती है, ये सभी चीज़ें हम इसमें। ये देखिए, ये इसमें जो है किटकैट हमारा जो है, ये किटकैट फ्यूज है और ये देखिए, ये हमारा इंडिकेटर लैंप है, क्योंकि ये इंडिकेटर लैंप से ये रहता है कि हमारा लाइट है कि नहीं, ये आपको दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा सॉकेट है, ये जो है 5 पिन का 6 एम्पियर का सॉकेट है। और ये देखिए, ये जो है, ये 3 स्विच है जो अब ये स्विच जो है हमारा ये सॉकेट के लिए काम करेगा। और ये जो 2 स्विच है, इसमें एक तो हम लाइट को दे देंगे और दूसरा जो है हम जो है फैन को दे देंगे। तो अब आइए हम आपको इसकी वायरिंग पूरा दिखाते हैं कि इसमें कैसे कैसे और क्या क्या आइटम लगेगा। एक तो पहले ही हमारा ये लगता है, ये जो है हमारा बोर्ड होता है, ये बोर्ड होता है। फिर इसके बाद इसी के हिसाब से जो है, जैसे ये जो भी चीज़ें हैं इसके हिसाब से हमको इसमें कटिंग करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको लाइन से एकदम क्लियर क्लियर दिखाते हैं, चालू कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है, पहले तो हमारा मेन जरूरी होता है ये बोर्ड का है। ये देखिए, ये बोर्ड को जो है हमने जो है पूरा जो है इसी के हिसाब से, जैसे जो हमारा सॉकेट है और स्विच है और इंडिकेटर लैंप का ये जो फ्यूज है और हमारा जो किटकैट फ्यूज है, इंडिकेटर लैंप है, ये सभी के हिसाब से जो है हमने इसमें होल जो है मैच करा दिया। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारा ये सभी आइटम है लाइन से। ये देखिए, ये हमारा जो है किटकैट फ्यूज है, ये हमारा इंडिकेटर लैंप है और ये देखिए, ये 3 जो है हमारी ये स्विच है और ये हमारा सॉकेट है। अब इन सबों को जो है हम अब इसी बोर्ड में फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर इसमें वायरिंग कैसे होती है ये अब हम आपको आगे दिखाएंगे। अब ये देखिए, हमने बोर्ड में ये सभी चीज़ें जो है एकदम लाइन से जो है हमने इसमें फिट कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा किटकैट स्विच है, फ्यूज है और ये देखिए, ये इंडिकेटर लैंप है और नीचे ये देखिए हमारा सॉकेट और 3 जो है ये स्विच है। तो ये सभी चीज़ें हमने इसमें लगा दिया है। अब हम इसके जो है बैक साइड से हम इसकी वायरिंग अब आपको धीरे धीरे करके दिखाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये हमने जो है इसकी अभी हमने केवल जो हमारा जो सप्लाई आता है जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, ये देखिए, ये हमने जो है इसमें पहले ही पॉजिटिव का ही हमने वायरिंग किया है। इसके बाद निगेटिव का भी हम दिखा देंगे। ये देखिए, ये जो है ये हमारा किटकैट फ्यूज है। किटकैट के फ्यूज में ये देखिए, ये हमारा जो है सप्लाई का ये लाइन आ गया है। इसके बाद आगे तो हमारा फ्यूज लगाता है। इसके बाद ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं, अब जैसे हमारा फ्यूज लगा रहता है तो यहाँ से जो है पॉजिटिव हमारा यहाँ आता है। अब इसी जगह से एक हमने जो है, ये देखिए, ये हमारा इंडिकेटर लैंप है। तो इंडिकेटर लैंप को एक पॉजिटिव और एक अर्थिंग हमको न्यूट्रल चाहिए। तो फेज और हमको अर्थिंग दोनों चाहता है, इसलिए देखिए ये पॉजिटिव का जो है हमने एक जो है इंडिकेटर लैंप को ये दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ से पॉजिटिव जो है, ये देखिए, ये हमने जो है ये जितने भी हमारे स्विच हैं ये 3 स्विच को दे दिया, क्योंकि 2 स्विच तो एक तो हमारा फैन में चला जाएगा और एक हमारा ट्यूबलाइट में चला जाएगा। ये तीसरा जो है, तीसरा का ये जो है, ये हमारा ये सॉकेट के लिए, तो इस स्विच से जो है यहाँ तक तो ये पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद इस स्विच से जब हम ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ आ जाएगी। इसके थ्रू जो है देखिए, इसको जो है हमने इसमें जो है ये पॉजिटिव जो है हमने वायर फिक्स कर दिया, ताकि जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जो है होते हुए हमारा ये जो है हमारा इस सॉकेट में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव का जो है पूरा सिस्टम होता है। ये देखिए, ये हमारा पहले तो ये 3 स्विच जो है हमारा ये पॉजिटिव होता है। ये देखिए, ये फ्यूज आ गया। इसके बाद यहाँ से जो है ये हमारा मेन हमारा सप्लाई जहाँ से आता है और यहीं से हमने एक पॉजिटिव लेकर हमने ये इंडिकेटर लैंप को दे दिया। अब हम इसका जो है जिसको अर्थिंग या निगेटिव बोलते हैं, अब वो हम दिखाते हैं कि उसको हम कैसे इसमें लगाएंगे वायरिंग का। अब ये देखिए, ये हमने जो है ये इंडिकेटर लैंप को, जैसे एक तो हमने जो है ये फ्यूज से जो है जो किटकैट फ्यूज है, फ्यूज के थ्रू हमने एक तो पावर सप्लाई हमने दे दिया और दूसरा ये देखिए, ये हमारा निगेटिव है जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग को जो है हम वायर एक तो हम इंडिकेटर लैंप में लगाते हैं और दूसरा जो है उससे जो है लाकर ये देखिए ये सॉकेट के हम यहाँ पे लगा देते हैं। सॉकेट में भी क्योंकि हमारा अगर ये पॉजिटिव आ गया जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारा सप्लाई आ जाएगा, तो इसको हमको अर्थिंग या न्यूट्रल चाहिए। तो इसके लिए देखिए, ये हमने जो है जो बाहर से हमारा अर्थिंग न्यूट्रल या अर्थिंग आता है, इसको देखिए इसके थ्रू जो है हमने ये सॉकेट को सप्लाई दे दिया है। तो
तो इस हिसाब से जो है हमारा ये वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि अब जैसे ये दोनों है, ये दोनों जो हमारा स्विच है इसमें से हम कैसे जो है, क्योंकि हमारा अर्थिंग जो है ऊपर ही रहता है, जब हम यहाँ ऑन करेंगे, ऑन करने पर जो होता है ये सप्लाई जो है हमारा इधर से जो है हमारा या तो फैन में जाएगा या तो हमारा ये ट्यूबलाइट में जाएगा। तो अब इसमें से भी हम एक एक वायर देंगे जो हमारा ऊपर निकल जाए, इधर से जो है ऐसे बाहर चला जाएगा बोर्ड के थ्रू, और हमारा एक जो है ट्यूबलाइट में और एक जो है फैन में जो है हमारा ये सप्लाई हो जाएगा। तो वो भी वायरिंग हम करके आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए, ये हमने एक देखिए एक वायर हमने ये कर दिया है जो हमारा फ़ैन के लिए चला जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट जो है ये फैन में जो है हमारा ये सप्लाई जाएगा। और दूसरा ये देखिए, दूसरा ये जो है ये हमारा ट्यूबलाइट के लिए चला जाएगा। अब इसमें हमारी ये ऊपर है कि हमको मतलब कौन सा फैन में डालना, कौन सा ट्यूबलाइट में डालना, तो उस हिसाब से हमारा जो है ये दोनों वायर जो है हमारा ये स्विच के थ्रू जो है सप्लाई वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा ये पूरी वायरिंग जो है कम्प्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी अच्छी तरह हो जाए। थैंक यू।